आइए सर, आइए, आप भी आइए। बस कर दिया कमेंट्स नजर आ रहे हैं
जब ऐसी कहानियां ओटीटी पर फिल्मों में काफी देख रहे हैं जहां पर सस्पेंस है, मर्डर मिस्ट्री हो, थ्रिलर हो, तो ऐसी कहानियां काफी मुश्किल होता है इन कहानियों पर वर्क करना डीपली, ताकि ऑडियंस जो है बंध ही रहे कहानी से हिले ना. तो ये किस तरह से होने वाला है? इस ट्रेलर में तो वो झलक तो दिख रही है, आप किस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन करके ऑडियंस अट्रैक्ट हो, वो थ्रिल, वो सस्पेंस बना रहे, किस तरह से कहानी है पूरी लिखी गई है? आई थिंक पहली बात इट्स वेरी क्रिस्प, मैं कहूंगी. मतलब इट्स ओनली 2 आवर्स और 1 आवर 43 मिनट्स. तो थ्रिलर को, थ्रिलर शुड बी वेरी क्रिस्प, देन इट होल्ड्स द ऑडियंसेस अटेंशन. और ये फिल्म नॉट ओनली फॉर द थिएटर्स, मैं कहूंगी इट्स परफेक्ट फॉर द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आल्सो, बिकॉज इट इज वेरी क्रिस्प. द डायलॉग्स आर ऑल्सो यू नो नॉट लेंथी, वेरी ट्रू टू द स्क्रिप्ट. एंड प्रीति ने हम तीनों को, शी हैज चोजन द परफेक्ट कैरेक्टर. सलीम इज, शी हैज चोजन अ रोल फॉर सलीम जस्ट लाइक सलीम, यू नो, अ रोल फॉर मी जस्ट लाइक मी. सो आई थिंक द कैरेक्टर्स ऑल्सो फिट. और मैं कहूंगी आई थिंक द स्क्रिप्ट इज क्रिस्प. 1 आवर 43 मिनट्स, द ऑडियंस विल बी स्टक टू देयर सीट्स. या आशा, आई वांट टू ऐड टू दैट. आपने काफी थ्रिलर जो आपने जो पूछा, ये एक सर्वाइवल फिल्म है जहाँ पर एक लड़की सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है जिस सर्कमस्टेंसेस में वो है, और ये एक फीमेल डायरेक्टर ने बनाई है, एक फीमेल का सर्वाइवल. तो वो जो आपको टच इसमें मिलेगा फिल्म में, दैट आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा इससे पहले, आई एम रियली श्योर अबाउट इट. और बाकी टर्न एंड ट्विस्ट हमारी फिल्म में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी शॉकिंग है. जब आप देखते हैं तो आप उसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ होने वाला है. एंड दैट इज़ द रीज़न जिन्होंने भी अभी तक फिल्म देखी है उन्होंने यही बोला है कि एक बार आप शुरू करते हैं तो आप बंद नहीं कर पाते. तो आई होप आप लोग ये फिल्म देखें और अच्छे रिव्यूज हैं. सो दैट्स व्हाट आई होप फॉर. थैंक यू. हाय राइमा.